नमस्कार, मैं रानी सिंह, इकोप्रेडिया में आपका स्वागत है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बुधवार को जमशेदपुर के बारेडी स्थित सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में नए सत्र की पढ़ाई बाधित होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीर बताया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज के अलावा पीपी मॉडल के तहत 2 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता दी, लेकिन राज्य सरकार उन कॉलेजों को एमसीआई के तहत तैयार करने में विफल रही, जिससे कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। वैसे उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी देने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में गंभीर पहल की जाएगी। वहीं उन्होंने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इतने गंभीर मसले पर राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री को सीधे पहल करनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में दोषी कौन है, यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई से राज्य में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कि जब हमारी सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता थी कि देश में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, और जिसके कारण डॉक्टरों की कमी के कारण जो स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। और उसी सोच के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस झारखंड में जहां देश की आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज, एक आपका है रिम्स जहां 180 बच्चे पढ़ते थे एमबीबीएस के, धनबाद पीएमसीएच जहां मात्र 50 बच्चे पढ़ते थे, और हमारा जमशेदपुर जहां एमजीएम में 100 बच्चे पढ़ते थे। देश की आज़ादी के 67 वर्ष बीत जाने पर झारखंड में मात्र 330 MBBS के बच्चे ही केंद्र में 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद झारखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद अभी 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर टाइम बाउंड के कारण दुमका, पलामू और हजारीबाग 3 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 2 साल के अंदर सारे पोस्ट हमने क्रिएट करके सारे पोस्ट भी भर गए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया एमसीआई या शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय से करती है, वो प्रक्रिया को राज्य सरकार ठीक ढंग से पहल नहीं करने के कारण उनका हजारीबाग और पलामू में भी जो 100-100 बच्चे एमबीबीएस के एडमिशन होनी चाहिए उसको भी रोक। उसी तरह हमारी सरकार की सोच थी, केंद्र सरकार का भी था कि पीपीपी पर भी हम उच्च शिक्षा संस्था को अधिक से अधिक डेवलप करें। उसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मणिपाल जैसी संस्था, टाटा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त औद्योगिक घराने, एक पीपीपी पर जॉइंट वेंचर बनाकर, ये मेरा ग्रीन प्रोजेक्ट था, जमशेदपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज स्टील कंपनियों को, उसी तरह बोकारो स्टील कंपनी से भी हम होते वहाँ भी पीपीपी पर राज्य सरकार ने 25 एकड़ जमीन देगी, और पिछले महीने वहाँ भी शिलान्यास हो चुका, वहाँ भी पीपीपी पर बोकारो स्टील के साथ पीपीपी पर वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ये जो मणिपाल टाटा के साथ एमसीआई ने सारे गाइडलाइन या विजिट करके इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देके 150 सीट का क्लियरेंस दे चुका, लेकिन पीपीपी पर 2, एक महाराष्ट्र नागपुर में, जो टेक्निकल बात थी राज्य सरकार को भारत सरकार को क्लियर करनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार ने विफल किया। जैसे आप पीपीपी पर मणिपाल एंड टाटा 2 अलग अलग पार्टनर, लेकिन नागपुर में एक ही पार्टी अपने 2 अलग अलग फॉर्म
दो अलग अलग मालिक थे और उसको पीपीपी बनाकर मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार दोनों को टैग करते उसको ध्यान में रखते हुए दोनों को रोक दिया। जब मैंने कल माननीय मंत्री जी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय निशांत पोखरियाल को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इस मामले का निराकरण करेंगे, मणिपाल के अधिकारियों को आप मेरे पास भेज दें। मुझे भरोसा है कि आजकल के अंदर मणिपाल के अधिकारी भारत सरकार के मंत्री से मिलते हैं। हमारा केस क्लियर, मणिपाल टाटा में कोई कंफ्यूजन नहीं और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक सप्ते के अंदर ये मामले निष्पादन होने पर जो पढ़ाई इसी सेशन से हो ताकि हमारे 150 बच्चे इस जमशेदपुर में MBBS की पढ़ाई करें, ये पाग हमने किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी सेशन से बच्चों की पढ़ाई यहाँ होगी। एक ही साथ दोनों फाइल का भारत सरकार के पास गया, महाराष्ट्र का आ गया और होल्ड कर दिया दोनों। अभी तो राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। अब जैसे 3 मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज है, कोई क्यूरी किया है, कोई राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, जाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री। हमारा गरज है ना, हमारा स्टेट को फायदा, हमको पहल करनी चाहिए, हमें चिंता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे MBBS पढ़ने के लिए दूसरे जगह ना जाए, ये हमें चिंता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।